केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में हम लोग रिएक्शन ऑफ एमीन विद हिंसबर्ग रिएजेंट देखेंगे। इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, एमीन का डिस्टिंक्शन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो कुछ नहीं है, क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ये जो है अगर प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है तो बेंजीन सल्फोनामाइड मिलता है एन इथाइल, यहाँ पे मैंने इथाइल ग्रुप चुकी लिया है, ये इथाइल एमीन है, इस वजह से यहाँ पे मैंने एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये प्रोडक्ट बना है। अगर दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप रहता तो उस हिसाब से यहाँ हम उसे लिखते तो सल्फोनामाइड बनता है, बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। अगर अल्काइल लेंगे ग्रुप, अल्काइल एमीन लेंगे तो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और एरोमेटिक लेंगे तो एन एरोमेटिक बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। ये जो होता है अल्कली में सोलबल होता है, जिस वजह से हम पहचान कर लेते हैं कि जो हमारा एमीन जो एमीन लिए है वो प्राइमरी एमीन है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है इसका। यहां देखिए क्या होता है, C6H5S डबल बॉन्ड O, O एंड CH, ये क्या है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो ये सल्फर है इसके तीन तरफ से देखिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसपे एक डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण Cl- के रूप में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो और जो यहाँ पे हम एमीन लेते हैं प्राइमरी एमीन, जो ये प्राइमरी एमीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इस सल्फर के पास आके ऐड होगा और अपना इलेक्ट्रॉन चूंकि ये दे देगा इसलिए इस पे एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, C6H5S डबल बॉन्ड O, ओ Cl निकल गया है, यहां नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस वजह से और एज इट इज सारे ग्रुप और रह जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन जो है कभी भी अपने पास क्या करेगा, प्लस चार्ज को नहीं रहने देगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये Cl और ये H मिलके क्या बना देंगे, HCl, और क्या बनेगा, C6H5S डबल बॉन्ड O, N, N पे लोन पेयर फिर से एक H एंड C2H5। ये जो H होगा ये काफी ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों होगा, यहां पे ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन जो हो जाएगा काफी एसिडिक हो जाएगा। जब हम किसी अल्कली के सॉल्यूशन में इसे डालेंगे ये तुरंत यहाँ को लीव करके वहां ऐड हो जाएगा, जैसे कि अगर हमने कोई अल्कली ले लिया NaOH, तो NaOH में क्या होता है, इस OH पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज रहता है तो ये जो है H प्लस के रूप में जब बाहर निकलेगा तो इस OH के साथ मिलके क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको तोड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो N पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा और ये H प्लस के रूप में इसके साथ मिलके H2O बनाएगा तो क्या मिलेगा हमें, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, C6H5S डबल बॉन्ड O, O एंड N पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे C2H5, और जो प्रेजेंट रहेगा इस रिएक्शन मिक्सचर में Na प्लस वो यहाँ आ जाएगा, किस लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि ये क्या हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए अल्कली में सोलबल होता है। तो प्राइमरी एमीन को जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट में मिलाते हैं तो वो क्या होगा, एक सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा बेंजीन सल्फोनामाइड का, और उसके बाद वो जो होगा जो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा उसके बाद अगर उसको अल्कली में मिलाएंगे तो वो अल्कली में सोलबल हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा जो अमीन है वो क्या है, वो प्राइमरी एमीन है। अब हम लोग सेकेंडरी एमीन के बारे में देखते हैं कि वहां पे क्या फॉर्म करेगा। तो सेकेंडरी एमीन के पास अगर हम यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एमीन,
तो उसके पास क्या होगा, केवल यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे एक और C2H5 ग्रुप को जोड़ देना है और नाम भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N N, चूंकि N के साथ दो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और सारी चीज सेम रह जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी एमीन की, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, C6H5 सेम जैसे वहां पे हुआ था सेम भी हो, यहां भी होगा, और CN यहां पे सल्फर से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये Cl के रूप में Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, यहां इस पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा और हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास एक सेकेंडरी एमीन हमारे पास है, अगर हम उसका रिएक्शन कराएं तो एमीन के पास चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसके साथ आके इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बनाएगा कैसे, C6H5 S पे डबल बॉन्ड O और यहां पे नाइट्रोजन आके जुड़ गया, चूंकि अपना क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पे एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, अब कभी भी अपने पास क्या रखेगा, प्लस चार्ज को रखेगा नहीं इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ देगा और क्या बनाएगा, C6H5S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O N एंड C2H5 C2H5। तो ये जो होगा, चूंकि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपके सब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों प्राइमरी एमीन जो होता है अगर उसका हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो जो सल्फोनामाइड बनता है वो अल्कली में सोल्युबल होता है और सेकेंडरी एमीन का नहीं होता, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो वहां पे क्वेश्चन हमेशा आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है जिस वजह से वो अल्कली में सोल्युबल हो जाता है, वो H2O के रूप में बाहर निकल सकता है। लेकिन यहां देखिए क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है इस ग्रुप में, चूंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये क्या होगा, अगर हम अल्कली में इसको डालेंगे तो ये क्या होगा, नॉट सोल्युबल। इस वजह से हम जान जाएंगे कि जो हम अल्कली जो हम लोगों ने लिया है और रिएक्शन करा रहे हैं वो क्या है, सेकेंडरी एमीन है। और टर्शियरी एमीन जो होता है वो क्या करता है, वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, वो जो है C6H5 इसके साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्टिंग नहीं करता है, नॉट रिएक्ट विथ टर्शियरी एमीन, नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों बेंजीन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लैब में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही इसका बचा है एमीन का सारा, वो हम लोग करेंगे और जितने भी रेस्ट रिएक्शन जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसके लिए आप लोग वीडियो को पीछे जो वीडियोस हमने अपलोड किया उसे देखते रहिए। थैंक यू।